एक वाले जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मस्ती के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट ऐसे बातें करते हैं, वो टीज करते हैं टीचर्स को। माई नेम इज़ ताहिर तारिक शाह, आई एम द स्टूडेंट ऑफ इग्नू MPS पोलिटिकल साइंस हेयर। आई हैव गॉट एडमिशन इन दिस कॉलेज इन द स्टडी सेंटर कुपवारा। पिछले फरवरी से यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लास चल रहे हैं, यहाँ पे सारा स्टाफ अवेलेबल है, टीचर्स आ रहे हैं बाजाब्ता तौर से, यहाँ पे शेड्यूल बाजाब्ता तौर यहाँ पे हैं, तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे क्लास रेगुलर आते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास अटेंड नहीं करते हैं। उन स्टूडेंट्स को हमारे आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी क्लास लें, यहाँ पे पूरा स्टाफ अवेलेबल है, रेगुलर क्लास, पंक्चुअलिटी है यहाँ पे। तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि उनके आ जाइए यहाँ पे, बिल्कुल स्टाफ मतलब रेडी होता है बाजाब्ता पूरे, हमारा एक काउंसलिंग शेड्यूल होता है, टाइमिंग होती है बहुत अच्छे से, एक्सपर्ट टीचर्स यहाँ पे हमें पढ़ा रहे हैं। तो आपके माध्यम से उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे, टीचर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, बाजाब्ता पूरे हमारी क्लास चल रही है। मैं BA कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इग्नो में करूँ, और आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सो दैट इज़ वाई कि मैंने इग्नो में लिया। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, अच्छी केयर की जाती है हमें यहाँ पे, और कुछ कोई इशू नहीं है हमें। मुझे बताइए, अक्सर इग्नो के स्टूडेंट क्लेम करते रहते हैं कि हमारे पास टीचिंग फैसिलिटी नहीं है या फिर हमें क्लास नहीं ले जा रहे, क्या कुछ कहना चाहोगे आपको? सर, अगर आप करेंगे इग्नो स्टूडेंट्स की बातें, दो स्टूडेंट्स होते हैं रेगुलर एंड इग्नो वाले, आप अगर रेगुलर वालों से बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी। इग्नो वाले जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मस्ती के लिए आते हैं, वो स्टूडेंट ऐसे बातें करते हैं, वो टीज करते हैं टीचर्स को, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लेते हैं अच्छे से क्लास। सर, मोर नियरली यहाँ पे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल है, नियर अबाउट 300, मगर ज्यादातर बच्चे नहीं आ रहे हैं सर, ज्यादातर बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने आज एक इंडक्शन प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा था, जिस तरह से हमने अभी हमारा क्लास भी यहाँ पे चल रहा है सर, तो हमने लर्नर्स को, जो नए लर्नर्स हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाओ, क्लासेस आप ले लो यहाँ से, क्योंकि इग्नो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये प्लस प्लस यूनिवर्सिटी है आज। तो आज हमने ये प्रोग्राम इसीलिए रखा था ताकि जो लड़के हैं वो गलत हैंड्स में ना जाए, और वो जो है कंसर्नर जो है उनका कॉलेज है, उनसे वो कांटेक्ट करेंगे और टाइम पे अपना क्लास लेंगे, असाइनमेंट सबमिट करेंगे और अपने कंसर्न टीचर जो है उनसे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जो है बच्चों के लिए यही रहेगी कि आप आइए टाइम पे यहाँ, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, किराया ज़ाया मत कीजिए, आप जो है बस स्टैंड में मत घूमिए, आपको अच्छा है कि आप ज्यादा क्लास में रहिए तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। एज वी आर कंडक्टिंग कोचिंग सेशंस, वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम प्रीवियस संडेज, बट मोस्ट ऑफ द लर्नर्स आर नॉट अटेंडिंग द रेगुलर क्लासेस। आज हमारा एक्चुअली जो है इग्नो का ये एक काउंसलिंग सेशन था जो हमने पहले अटेंड किया है हमारे ऑडिटोरियम में, वहां पे हमारे शौकत सर कोऑर्डिनेटर थे और हमारे डिग्री कॉलेज जो प्रिंसिपल सर है वो थे वहां पे। तो बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन हो गया, तो हमने ऑलरेडी उन्हें अवेयर किया उनकी रिगार्डिंग देयर एजुकेशन, उनका जो जितना भी प्रोसेस रहता है एजुकेशन, उनके एडमिशन का, उनके असाइनमेंट्स का, उनके एग्जाम्स का, सब कुछ। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लाया, जो आज जो क्लास है ये BG ग्रेड है, इसमें सारे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो इन्हीं के साथ हमारा आज इंटरेक्शन था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे से जो है हमारा अब इनको सेपरेट हम क्लास में भेजेंगे और सेपरेट सब्जेक्ट्स विद सेपरेट काउंसलर्स के साथ। फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, मोस्टली PG क्लासेस। अब हमारा जो शेड्यूल है, काउंसलिंग शेड्यूल है, 1 मार्च से नया शेड्यूल आया है, इसमें हम BA का भी स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से ही। हमारे से ये फर्स्ट क्लास है BA का। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्चुअली ड्यू टू कोविड से क्लासेस बंद थे यहाँ पे, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है कि अब आप क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो हमने क्लासेस स्टार्ट किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टूडेंट से, जो भी इनरोल है इग्नो में, वो आए, क्लासेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं।